ज़रा दोस्त अहबाब जो है वो मुझे बता दें कि आवाज़ क्लियर है, पिक्चर वीडियो क्लियर है, तो हम अपने शौक की तरफ चलें। भाई दोस्तों ये सेटअप है उस्ताद हैदर अली जोया साहब का। कुर्सी इधर रख दे, इधर रख दे। लो जी आवाज नहीं आ रही भाई, अब बताएं जरा आवाज आ रही है? ये सेटअप है जी, ब्रीडिंग सेटअप है, ठीक है। उस्ताद हैदर अली जोया साहब, उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी, ठीक है। उनके ये उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन के ये शागिर्द हैं। ये हैदर अली जोया साहब हैं, ये भी हमारे साथ हैं जी, मेरे साथ आए हुए हैं, लाहौर से ही हैं, बड़े सीनियर उस्ताद हैं। कल इनके साथ इंशाल्लाह गुफ्तगू करवाएंगे, फिर इनका तारफ भी करवाएंगे। ये भी लाहौर से ही हैं जी, ये भी एक बड़े अच्छे उस्ताद हैं, इनका भी कल आपको इंशाल्लाह शौक करवाएंगे, बात करेंगे। ये हमारे भाई हैं जी चौधरी इमरान साहब। बिल्कुल करवाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं जी? शुक्र अल्लाह। हैदर भाई सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस टाइम रात के इस टाइम हमें थोड़ा सा टाइम दिया, क्योंकि सुबह आप मसरूफ थे, इस वजह से हमें रात में आपके पास आना पड़ा प्रोग्राम के लिए। हैदर भाई आपके साथ जो दोस्त अहबाब हैं, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन करवा दें। मेरे चाचा हैं उस्ताद रियासत साहब हैं। उस्ताद रियासत साहब, हाँ जी। उस्ताद जवेद भाई हैं मेरे जी, ठीक है। उस्ताद जवेद साहब, हाँ जी, ठीक है। ऑल इन छत पे, ठीक है। वो हमारे दोस्त हैं जट साहब जी, ठीक हो गया। वो अली डॉन है, अली डॉन है, ठीक हो गया। एक कासिम है, ये कासिम भाई हैं, ये भी मेरा छत पे होते हैं, छत पे होते हैं आपके साथ। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, जितने भी दोस्त भाई मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मैसेज कर रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। सहेल भाई आपका भी शुक्रिया, खिजर यात भाई आपका भी शुक्रिया। अच्छा उस्ताद जी, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरा आपके साथ पहला इंटरव्यू है, जो मेरे व्यूवर्स हैं वो फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे सुनेंगे। कितना अर्सा हो गया आपको कबूतरबाजी में? इन्हों प्रॉपर कोई 20-21 साल तो शौक से मुंसलिक हो गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो छत है ये हमने 2020 में बनाई है, छत 2020 में बनाई है, 21 और 22 में ये उड़ी है, 2 साल में, 2 साल उड़ी है ये छत, ठीक है माशाल्लाह। उस्ताद जी रस्म उस्तादी शिगिरदी कबूतरबाजी में बड़ा एक अहम रोल है इसका, ठीक है। रस्म उस्तादी शिगिरदी आपने किस साल में की है, ठीक है, और कौन से आपके उस्ताद हैं जिनके साथ आपने
चेयरमैन साहब हैं, उस्ताद इम्तियाज हैं, चेयरमैन साहब मेरे उस्ताद हैं जी। उन्हीं के मैं शागिर्द हूँ और उन्हीं का ही किया हुआ उस्ताद। 19 में ही आप शागिर्द हुए और 19 में ही आप उस्ताद? उनसे ही मैं उनका ही शागिर्द हूँ और उन्हीं ने मुझे उस्तादी पाक भी दी हुई। मैं वही कह रहा हूँ ना, 2019 में नहीं, मेरे पास उस्तादी पाक 2007 की है। 2007 की है जी, ठीक हो गया। 2007 में शागिर्द हुए थे? नहीं, 2005 में। 2005 में शागिर्द हुए, 2 साल आपने शागिर्दी में गुजारे और उसके बाद आपने उनके साथ उस्तादी पाक ले ली। उस्ताद जी, ये आपने जो उस्तादी शागिर्दी की उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब के साथ, बहुत बड़ी एक पार्टी है, बड़ा अच्छा नाम है इनका, ठीक है। क्या आपने सोच के, क्या समझ के, या किसी दोस्त ने आपको एडवाइस दी थी? और भी बहुत सारे उस्ताद हैं जिनका नाम, बेसिकली हम पहले मियाँ साहब के पास जाते थे 1988 और 99 के दरमियान में ना जी। जी, तो मियाँ साहब के पास जाते थे, मेरे कज़न थे, वो मियाँ साहब के शागिर्द होने लगे थे जी। तो उन मियाँ साहब ने कहा कि नहीं, आप चेयरमैन साहब के शागिर्द हो। फिर उस्ताद जी से हमारा तल्लुक बना 2003 में जी। 2003, 4 और 5 में फिर मैं उस्ताद जी का शागिर्द हो गया, ठीक है। हमारा उससे पहले एक अच्छा तल्लुक बन चुका था। अच्छा तल्लुक बन चुका था जी। और मियाँ साहब ने भी हमें एडवाइस दिया था कि आप चेयरमैन साहब के शागिर्द हो जाए। मतलब कि 2003 में तल्लुक बना, जिस तरह के आजकल तो नहीं हो रहा, कुछ अर्सा पहले ऐसे होता था कि अगर कोई किसी का शागिर्द होता था ना, किसी भी उस्ताद का शागिर्द होना चाहता था, तो पहले उस उस्ताद के साथ मतलब उसको समझने की कोशिश करते थे, उसका दाना पानी देखते थे। या वो ये सारी चीज़ें, मैं इन चीज़ों को फेक समझता हूँ, पहले बंदा अगले का निचोड़ निकाले मैं हाँ, लेकिन ये उस्तादी शागिर्दी थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए, पहले कौन बताता है आपको, बाद में भी कोई नहीं बताता। बिल्कुल, बड़े नसीब वाला होता है जिसे पता चल जाता है, मोस्टली को तो पता भी नहीं ना होता, बताना किसी ने। हाँ, ये तो बात आपकी ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर जो आपके पास हैं, कौन से कबूतर हैं और आपके पसंदीदा कबूतर कौन से हैं? देखिए जी, हमारे पास जो कबूतर हैं वो मुझे तो सारे चेयरमैन साहब ने दिए हुए हैं। चेयरमैन साहब ने दिए हुए हैं, और मेरे पास कबूतर डाव वाले हैं, टैडी हैं और गोल्डन हैं। बस गोल्डन है, मतलब वो सारे उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम साहब वाले कबूतर हैं, ठीक हो गया। सर, 2021-2022 दो साल आपने छत से शौक किया है, तो किस तरह का शौक आपका रहा है? 2021 वाला साल था, वो हमारी जेठ बाजी थी, वो तकरीबन 46 घरों के साथ थी। 46 घरों के साथ? हाँ जी, 32 को हम जीत गए थे, ठीक है, और बाकियों से हम हार गए थे, बाकियों से। और लेकिन ये कि हमारी कोई पोजीशन किसी कप में नहीं थी आई, ठीक। हमारे कबूतर ऊपर नीचे बैठते थे, ठीक है। और चेतर और बैसाख में मेरे मोस्टली कबूतर जो थे ना, वो ओवर टाइम बैठते हैं, ओवर टाइम वो मैं तकरीबन सबको जीता था, चेतर बैसाख। अच्छा, माशाल्लाह। और इस तरह भी बैठे हैं कि 759 तक भी कबूतर बैठे हैं, माशाल्लाह, बड़ा टाइम। आई मीन 40-40 घरों के साथ बाजी होती है, और उसके बाद रात को 10-10 बजे भी कबूतर बैठे हैं, 10-10 बजे भी बैठे हैं। हाँ जी, और ऐसे भी कबूतर बैठे हैं कि एक बैठ गया 7:50 पे, अगला 8 कुछ सेकंड, 8-2 मिनट ऐसे करके भी बैठते रहे, और मुंसर के सामने बैठते थे ओवर टाइम। सही सही सही, मुंसर यहाँ टाइम 8 बजे तक होता था, 8 बजे तक बैसाख, 8 बजे तक, और जो चेतर है वो 7:30 तक, चेतर 7:30 तक होता था, ठीक है। और 2022 एक मुझे कॉल ले जी। जी बिल्कुल, सुने। हेलो, कौन? जी जी सर, 2021 का आपने बता दिया, सीजन 2022 अभी का। 2022 में चेतर भी हमारा अच्छा गया है, ठीक है, बैसाख भी हमारा अच्छा गया है जी। एक घर से हम हारे हैं चेतर और बैसाख ना जी। जी, मुंतजर नंबरदार साहब, सही। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट हम सबको, हमने सबको विन किया। जेठ में हमारी तकरीबन 33 घरों के साथ बाजी थी, ठीक है। 33 में से 8 घरों ने बगैर उड़ाए दे दी थी, हम उन्हें कंसीडर नहीं करते। 25 में से मैं एक या दो घरों से आ रहा हूँ, एक का तो मुझे कंफर्म पता है, अगर किसी से पैकेज की बाजी आ रहे हैं तो अभी मेरे पास हिसाब किताब नहीं है, इलम नहीं है। सही, बाकी 22 कपों में हम उड़े थे, मैंने पंजाब कप भी उड़े थे, लाहौर 2 लाख वाले कप उड़े थे, सारे कपों में दूसरी तीसरी पोजीशन। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और इज्जतें दे। बहुत शुक्रिया जितने भी मेरे प्यारे भाई प्रोग्राम देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा हैदर भाई, कबूतरबाजी उस्तादी शागिर्दी से हटके आपने किसी से सीखी है, या खुद प्रैक्टिकली किया हुआ है, सीखा आपने, या किसी और की रहनुमाई है, या आपके उस्ताद की रहनुमाई है इसमें? देखो जी, कबूतरबाजी जो है ना, मैंने ज़्यादा जो कबूतरबाजी है वो मैंने चेयरमैन साहब से सीखी है। सही, पिछले तकरीबन 6-7 साल से मैं
हम लोग ऐसे ही है कि महीने में 20 दिन हम इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं बस। कहीं ना कहीं हमें जाना है तो हमारी गैदरिंग भी इकट्ठी है, वही है सेम। अब अलहमदुल्ला हमने उम्रे पे जाना है तो चेयरमैन साहब के साथ ही जाना साथ ही जाना है। है, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह, पुराने के हवाले से, कबूतरों की देखभाल के हवाले से, कबूतरों की पहचान के, नस्लों की पहचान जो है नस्लों की पहचान। वो मैंने उनसे, मैं इनके परफेक्शन है, अभी हम वहाँ तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन उनमें ये परफेक्शन है कि वो जिस कबूतर को पसंद करेंगे ना, जी, आपको अगर आप मालिक बताएगा कि ये मेरा कबूतर जो है ये बाजी उड़ा है या इसके बच्चे बाजी उड़ते हैं, इस तरह की माशाल्लाह परफेक्शन है, तो माशाल्लाह, हम पास बैठे हैं सीखते रहते हैं। जो पहले इनिशियली है वो मेरा भाई भी है जवेद, जी, जवेद ने मुझे काफ़ी गाइड किया जब मैंने जोड़े रखना स्टार्ट किए। जोड़े रखने जब स्टार्ट, उससे पहले तो हम मुझे सिर्फ उड़ाने का शौक था, ठीक, आए हैं किसी कहीं से भी आए हैं हाँ कहीं से भी उड़ा आए, उड़ा चल हाँ रहे, उड़ाए, ठीक है। ये पहले इसी तरह ही होता मैंने मेरी है, रहनुमाई फरमाई है उड़ाने के हवाले से। मैंने कभी हार नहीं महसूस की, जितने भी मेरे दोस्त हैं मैं सबसे पूछ लेता हूँ, जी, सीनियर हैं बहुत है, शरीफ साहब उनसे भी पूछ लेता हूँ, सही है, मियाँ उमर साहब हमारे 2021 के चैम्पियन हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ, और भी जो दोस्त हैं जो हमारी गैदरिंग में पूछ लेता हूँ, मैंने कभी शर्म महसूस नहीं की जी, कि यार मैं किसी से क्यों पूछूं, अगर नहीं पता तो मैं पूछ लेता पूछ लेता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात है और होना भी ऐसे ही चाहिए। सीखता ही वो है जो पूछ लेता है, अगर कोई हिचकिचाता नहीं और भी है। दोस्त बता देना कुछ चीज़ तो मैं उसे लिख लेता हूँ, हाँ मैं उसे एक मरतबा प्रैक्टिकल करता हूँ, अगर वो मुझे सूट करे तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर उसे लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट कर देते हैं आप, मैं उसके नीचे मैंने जो लिखा होता है उसके नीचे कमेंट डाल देता हूँ कि सही है, मैंने ये मतलब किया, मुकम्मल हाँ एक बुक बनाई हुई है, मैंने ये सही, किया और इससे मुझे ये ये फ़ायदा या ये नुकसान। नुकसान हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है। आपके आने वाले वक्त में आपके जो शागिर्द होंगे उनके भी ये चीज़ें काम लेकिन ये आने उल्टा वाली ना होना हैं, चाहिए, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, किसी और का क्योंकि भी काम भूल था, भी बिल्कुल जाता है इंसान। ऐसे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं और समझ रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, अगर आपकी पार्टी की बात की जाए, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब पार्टी, तो मेरा ख्याल है कि मैं किसी भी शहर में चला जाऊँ या मैं गया हूँ तो हर शहर में आपकी पार्टी के उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के शागिर्द भी हैं, ठीक है। और वहाँ पर मैंने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जो चेयरमैन पार्टी के चैम्पियन भी हुए हैं अपने शहर के या अपने ज़िले के। अभी रिसेंटली फैसलाबाद में उस्ताद पोमी जट साहब हैं जो कि उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, उस्ताद असलम भट्ट मरहूम साहब के शागिर्द हैं, अभी रिसेंटली वो भी वहाँ पर चैम्पियन हुए हैं। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब जो हैं अपने शागिर्दों को, क्योंकि आप भी उनके शागिर्द हैं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, परिंदे अच्छे बना के दे रहे हैं, दाना पानी उनका अच्छा है, या उनका जो कबूतर की देखभाल का तरीका है वो अच्छा है? सबसे पहले जो बात ये है ना कि वो अखलाकन एक अच्छे इंसान है, कोई शक नहीं है, वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई शागिर्द है उसकी गमी खुशी उन्होंने नहीं छोड़नी, नहीं उन्होंने छोड़ा, अटेंड करनी, बिल्कुल, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये कबूतरबाजी हट के बात जी कर जी रहा जी हूँ, बिल्कुल, किसी चीज़ की इंसानियत के ज़रूरत है नाते, या कहीं उसने कोई आना जाना है या कोई उसे प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में, जी, तो वो उसके साथ खड़े होते हैं। माशाल्लाह, उसके बाद जो परिंदों वाली बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी कम से कम भी ना वो 2 से 2500 परिंदा हर साल दोस्तों को शागिर्दों को देते हैं, देते हैं, ठीक है। रही बात जो है रहनुमाई वाली या दाने पानी वाली, जी, बहुत से दुबई सऊदी अरब तक जो है ना वो दाना पानी जाता भी है, उस्ताद और इम्तियाज हुसैन बहुत साहब, सारों को तो उस्ताद जी ने बता ही दिया है ना अच्छा कि आप ऐसे कर लिया, बड़ी जैसे बात वो है, आउट ऑफ स्टेशन हाँ है, हाँ आउट बिल्कुल, ऑफ कंट्री है, तो उन्हें हम क्या कर हम सकते क्या हैं। कह सकते हैं, सही बात है, खाली यही नहीं, उनका कोई हरीफ भी उनकी छत पे आएगा ना तो वो उसे भी कबूतर देंगे, माशाल्लाह, और ये बहुत तो सारे जो हरीफ हैं पंजाब लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे या लाहौर लेवल पे, वो चेयरमैन साहब से खुद कह के भी कबूतर लेके गए कबूतर हैं, लेके गए हैं, लेकिन वो मैं किसी का नाम तो नहीं नहीं कोई बोलूंगा, ज़रूरत नहीं है, हाँ तो बात वो बस उनकी इसी तरह ही है कि देखें, ये एक शौक है कबूतरबाजी का, मैं आपका हरीफ हूँ, मैं आपके घर आ गया हूँ, ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं कबूतर परवरी से हट के, ठीक है ना, तो मेहमान नवाज भी हैं आप, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर मैं आपसे कोई चीज़ मांग लूँ तो आप मुझे इनकार करेंगे, आपने कबूतर ले जाओ यार कोई जरूरी बात, नहीं मांग ले, अगर नाम ही मांगे तो वो दोस्त वगैरह हाँ आउट ऑफ स्टेशन से आए हो ना दे देते हैं, जो हमारी पार्टी के अगेंस्ट उड़ रहे जी होते जी हैं, तो वो जी उन्हें और परिंदा भी ऐसा देंगे कि अगला बंदा याद उसे पता चलेगा करे मुझे परिंदा
परिंदा दी है, बड़ी अच्छी बात है जी। अच्छा उस्ताद जी, ये उस्ताद मोहतरम की हाथ में कौन सा कबूतर है? ये जी हमारे डब वाले कबूतर हैं। डब वाले कबूतर हैं? हाँ जी। ठीक है, शिराज पकड़। जी भाई आप अपनी बात जारी करें, जरा बताएं दोस्तों को ये डब वाला कबूतर। ये डब वाला कबूतर है जी, इसका हर साल ऐसे ही आप समझ लेंगे हमारे पास कहीं ना कहीं से ना इसका बच्चा या इसके बच्चों का बच्चा वो हमारी बाजियों में जरूर होता है हर साल। हाँ जी हर साल, हमने पूरा पूरा साल ही होना, चेतर बैसाख जेठ हाड़ असुज, मतलब कोई सीजन मिस नहीं करना आपने। हाँ, मेरे पूरे 5 साल लगे हुए हैं इसी तरह ही। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। 2 साल हमने उड़ रही है, 3 साल और उड़ना है। अभी जेठ की बाजियां आपकी पहले की लगी हुई हैं? लगी हुई है भाई, चेतर से लेके, चेतर से लेके 4 प्यारे, जेठ 4 प्यारे। कितने घरों के साथ आपका शौक था? 3 घरों के साथ मेरी 5-5 साल की, 5-5 साल की लगी हुई है। सही हो गया वही दोस्तों, इसका ये दूसरा पल्ला, ये डब वाला कबूतर है। ये उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब ने अपने शगिर्द उस्ताद हैदर अली जोया साहब को दिए हुए हैं कबूतर। ये सारे उस्ताद मियां नज़ीर ब्लड लाइन के कबूतर हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा परिंदा है। हमारे साथ उस्ताद अहमद पीयू भट्ट साहब भी हैं, उनको भी इसका शौक करवाते हैं। ये इसके साथ लगा हुआ है? नहीं नहीं, ये नारी है। ये नारी? हाँ जी, ये हमारा 17 नंबर कबूतर है और इसका एक बेटा, 2 बेटे इसके पिछले साल भी उड़े हैं और एक बेटी की बेटी इस साल 5वीं बाजी चैंपियन हुई 650 पे। 650 पे, माशाल्लाह। लो जी, ब्रीडर कबूतर है उस्ताद हैदर अली जोया साहब का, ठीक है जी। डब वाला हड्डी, यहाँ तक इसकी हड्डी है, ठीक है। कम से कम 4.5 उंगली की हड्डी है इसकी, माशाल्लाह। ये इसकी आंख का शौक करें आप देखें कि रात के टाइम मैं शौक करवा रहा हूँ इन परिंदों का, और इनकी आंख आप देख लें कि रात के टाइम भी कितनी चमक है इनकी आंखों में, नूर इनका चेक करें। अगर मैं दिन में शौक करवाऊँ तो ये और भी नूर छोटा कर देगा। ये पल्ला इसका ये पर बाहर निकाल रहा है, ठीक है, टूटा हुआ पर है, इसलिए फिर ज़रा शौक नहीं था करवाया इस साइड से। बाकी ये आप इसका पंजे चेक करें, थोड़ा मसला भी है। जी है तो भाई, ये मेरा उड़ा हुआ कबूतर है, 18 नंबर उड़ा हुआ है, 18 नंबर। ये पिछला सारा साल हम कोशिश करते रहे, रात का लगा हुआ था लेकिन रात बड़ा लेट तक उड़ जाता भाई। अच्छा, बैठता नहीं था? हाँ जी, रात 2-3 बजे तक इसने दो बाजियाँ फिर हमने डाला था, लेकिन एक बाजी बैठ गया था और एक अगली बाजी फिर रात ही रह गया। ठीक, रात रह गया था या फिर ओवर टाइम बैठा था? नहीं नहीं, रात रह गया, रात रह गया था, सुबह आया फिर अगले दिन। ये देखो बेटा, अगर पहले कबूतर आप निकाला। हाँ, बड़ा कबूतर जो देखा, ठीक है, 115 नंबर कबूतर। भाई दोस्तों इसका पल्ला चेक करें, ये जो एंड वाले 3-4 पर ये देखें, माशाल्लाह एक ही शेप के पर है और ये अच्छी एक परवाज की अलामत है कबूतर की, ठीक है। और ये बहुत हाइट पे जाके ये परिंदा उड़ेगा, बहुत हाइट पे जाके, ठीक है। और ये पर भी तेज चलाएगा, स्लो पर नहीं उड़ेगा ये कबूतर, ठीक है। इसकी आँख का शौक करें। अभी जो बड़ा कबूतर आपको डब वाला दिखाया है ये उसका बच्चा है, उसका पट्ठा है ये। चमक देखें माशाल्लाह, ठीक है, अंधेरे में शौक है फिर भी चमक आप चेक करें। अच्छा इधर भैया, अब इसको आपने ब्रीडिंग सेटअप में ले आए हैं, ठीक है। इसका कोई बच्चा वगैरह निकाला इसने, कोई उड़ाया आपने? हाँ जी, मैंने उड़ने के लिए छोड़े हुए ऊपर, ऊपर अभी छोड़े हुए हैं दो बेटे। नहीं, वो जेठ वालों में मैंने किए हुए हैं पहले, गया अभी के लिए। अच्छा जी, तो मैंने हाड़ में बच्चे तैयार थे मेरे पास इस साल हाड़ में। सही है, और वो मैंने जेठ वालों में कर दिया, अब जेठ में खींचेंगे। माशाल्लाह देखें जिस कबूतर का पल्ला बड़ा प्यारा जी, ये भी 1-2-3 बंद, बहुत प्यारा पल्ला इसका भी माशाल्लाह। ये तेज परे कबूतर है, ठीक है, इनके कुंदे बारीक हैं, बिल्कुल बारीक,
हैदर भाई ये कौन सा है इसका भी बता दें जरा। ये भी डब वाला है, ये भी डब वाला ही है, ठीक है। इसका इस साल बच्चा बड़ा अच्छा उड़ रहा है लेकिन बाजी में नहीं उड़ रहा सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये ज्यादा लंबा उड़ेगा खराब करेगा मैं। तो ये शुरू में ब्रीडिंग में ये भी उड़ाया हुआ है? नहीं ये ब्रीडिंग में शुरू से, ये चेयरमैन साहब की तरफ से आया। अच्छा, कुछ दोस्त रिकमेंड करते हैं कि यार कबूतर को पहले उड़ाओ और फिर जोड़े लगाएं। इनको नहीं पता, वो इस तरह करते हैं ना, तो पता ही नहीं कबूतरों को क्या करें। 44 नंबर का माशाल्लाह जी। हां जी उस्ताद जी भट्ट साहब, दूसरे परिंदों के बारे में कुछ उस्ताद बहुत अच्छे बिल्कुल जो पर टेढ़ा आ जाएगा या मर जाएगा। जी अदर भाई, व्हाट्सएप एक दिन मेनू आ गई कॉल रात नूं 2 बजे। जी ये भी डबल मार दी, तुहानूं पता आदत है कि भी बाहर निकल के समान ले वेखणा। बिल्कुल, मैं कॉल कर रहा समान ले वेख रहा दी उत्ते कबूतर फिरया। माशाल्लाह, मैं सवेरे नूं कहा कि भी 18 नंबर रात ही नहीं बैठा, इन्होंने कहा नहीं जी मैं राती 2 बजे फिरदा है। माशाल्लाह, नहीं कबूतर आई बहुत अच्छा माशाल्लाह, और बहुत ज्यादा बुलंदी जुड़दा होगा इसलिए बैठदा नूं। ये हैदर भाई ये भी हाँ जी सारे। अच्छा हैदर भाई ये भी डब वाला है, ठीक है, ये भी शुरू से ही ब्रीडिंग में। जी ब्रीडिंग में इसके बच्चे हैं। जो सब जरा इससे पे लाइएगा दिक्कत है, कैमरे में आ गया नहीं सर, वहां कुछ थोड़ा ये इसके ब्लड लाइन चेक करें जी। हैदर भाई इसके भी बच्चे उड़ा रहे हैं पहले कोई पहले उड़ा रहे हैं जोड़ों में भी आगे डालते हैं असर लगा हुआ था। अच्छा अच्छा प्योर में मादियां सब की उठा दी ना मैंने, जोड़े तोड़े हैं अभी। ठीक है, ऑलमोस्ट मादियां सब की उठा दी। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा परिंदा है जी। ਉਹ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਚੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈਦਰ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਹਮਾਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਜ਼ ਤਾਜਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। अब मकसद है आपको दिखाने का जो काम है वो ये है कि नज़दीक लाए जी दो साहब आपको ये दो पर दिखाएं, ये पर दिखाएं आप इस पर जूम करें, ठीक है, और फिर इसके बाद ये पर दिखाएं, ठीक है, और उसके बाद ये बगल के ये दो पर दिखाएं आप, ये देखें। इसका बच्चा जो है ना नाजरीन कभी नहीं ड्रॉप होगा, कभी नहीं ड्रॉप होगा कभी भी, जैसे मर्जी इसको जहां मर्जी इसको गिरा ले ये ड्रॉप नहीं होगा कभी भी कभी भी। गोल्डन कबूतर जी, ये उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की तरफ से उस्ताद हैदर अली जोया साहब को जो कबूतर आए हैं गोल्डन, अब हम उनका शौक करवा रहे हैं आपको। इससे पहले आपने डब वाले देखे हैं, ठीक है, देखें माशाल्लाह कबूतर का पल्ला चेक करें कितना प्यारा बेटा, ज़रा जूमिंग करना थोड़ा सा, ये फर्स्ट जो चार पर हैं तीन ये इनका शौक करवाओ, ये इस साइड से बगल वाली साइड से ये देखो इधर ये वाले परों पर फोकस लेके आओ, हाँ ये वाले, ठीक है, देखें माशाल्लाह पहले ये तीन चार पार हैं इनकी बंदर चेक कर लें माशाल्लाह, हाई परवाजी कबूतर के इस तरह का पल्ला लाजमी आएगा। उसके बाद ये आखिर वाले पार देखें, चार एक जैसी शेप सेम, कोई फ़र्क नहीं होगा, ये हैं ब्रीडर और परवाजी कबूतर का पल्ला माशाल्लाह। अब इसकी आँख का शो करवाते हैं आपको, दोस्तों याद रखिएगा कि ये मैं रात को आपको शो करवा रहा हूँ, अगर दिन में शो करवाता इनकी आँखें और भी हसीन और भी देखने के लायक होती। अभी माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार है, इसका ये रंग रूप चेक करें, ये गोल्डन कबूतर है,
उस्ताद हैदर अली जोया साहब का। ठीक है हैदर भाई, इसका रिजल्ट? मैंने कभी इसके बच्चे नहीं उड़ाए। नहीं उड़ाए, ब्रीडिंग के लिए ही रखते हैं। वेरी गुड। आगे इसके इसके बच्चों के बच्चे उड़े हुए हैं। बच्चे उड़े हुए, ठीक हो गए। ये भी गोल्डन कबूतर देखे माशाल्लाह। इसके बच्चे भी हर साल मेरे पास बाजी में होते हैं। इस साल मेरे पास कोई नहीं था, मेरे एक दोस्त के पास इसकी बेटी थी, मलिक जुल्फकार बूढ़ा साहब जी जी। तो पहली चार बाजियों में इसके उसके 41 घंटे थे और बहुत सारे कपों में वो बहादुर भी हुए माशाल्लाह। हैदर भाई ये भी गोल्डन ही है? जी गोल्डन ही है। ठीक है मियां नज़ीर साहब वाले दोस्तों देखें कबूतर, ये बच्चे नहीं जाया करता होगा। तीन बच्चे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रात रह के जाया हो जाए तो 100 बार हो जाए, लेकिन ये बहुत आला कबूतर है, बहुत आला माशाल्लाह। उठ जाएगा बच्चों से जब मर्जी अंडों से उठ जाए। इसको क्या दाने दे? दाना बाजी कणक ही पाई दी देखे पल्ला माशाल्लाह। माशाल्लाह जी लोजी भट्ट साहब बहुत अच्छा कबूतर माशाल्लाह। ये भी गोल्डन कबूतर है जी, पल्ला देखे माशाल्लाह इसका। बहुत प्यारी आवाज़ है कबूतरों की, अल्लाह जानता है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। कबूतर मेरे हाथ में आते हैं, इतने अच्छे कबूतर हैं मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन करें। और ये अंधेरे में शौक करवा रहा है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है, अगर दिन में शौक करवाता तो सोचें फिर कैसा मज़ा आना था। कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी किसी टाइम हैदर अली जोया साहब से लेंगे टाइम, दिन का भी अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो। हैदर भाई इसका भी बता दें ज़रा, इसके बारे में भी दोस्तों को बताएं ज़रा। ये भी जी पेटेंट कबूतर है, ये चेयरमैन साहब का कबूतर है। इस कबूतर के बच्चे चेयरमैन साहब की छत पे भी उड़ते हैं। चेयरमैन साहब की छत पे जी। और मेरे पास यहाँ पे मैंने पहले प्योर भी लगाया था, वो भी उड़ने के लिए छोड़े हैं। ठीक है। इस साल इसकी बेटी तैयार थी, मैंने नहीं डाली, अगले साल अब उसकी बारी आएगी। अब बारी आएगी। हाँ जी। और उसके बाद मैंने क्रॉस लगाया इसे ना। ठीक है। चार छह बच्चे क्रॉस वो भी छोड़ दिए। हाँ जी, अभी पहले निकले। अच्छा अगर भाई आप ये जो बच्चे निकालते हैं आपके ब्रीडर कबूतर के बच्चे निकालते हैं, ये पहले धागे के आप जेठ में डालते हैं या 2 साल करके जेठ में डालते हैं? 2 साल यहाँ पे हमारे पूरा साल उड़ते हैं, 2 साल अगले साल कबूतर ही नहीं होता हमारे। होता ही नहीं भाई जान, हमने चेतर उड़ना है, पूरा साल उड़ना है हमने। सही है। अगले साल हमारे पास सवाल ही पैदा होता है इस साल वाला कबूतर अगले साल हो, अगले साल वाले उसके पास होते हैं जिसने एक प्यारा उड़ लिया या जेठ उड़ लिया, सिंगल डेवलप हो जाते हैं, हमारे पास नहीं होते। हमें सबसे ज्यादा जो कबूतर हमारे जाया होते हैं वो होते हैं चेतर में और अक्टूबर में। हाँ ये दो मौसम तो बहुत ज्यादा चेंज है। सही बात है। चेतर से हमने चेतर से 1.5 महीना पहले हमने उड़ाने शुरू करने, तब लगड़ भी इतना ज्यादा होना है, बहुत ज्यादा, और मौसम भी है, एक दो फड़क के बाद कबूतर वैसे रह जाए और सूज भी इसी तरह बारिशें आ जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 90 नंबर ले गए। 90 नंबर नहीं, कुछ दोस्त अहबाब इस चीज़ को रेकमेंड करते हैं ना कि यार कबूतर 2 साल हो तो उसको जेठ में उड़ाए। सर वो जिनके पास टाइम होगा या वो रिकमेंड करेंगे, या जिनके कबूतर ही 2 साल बाद उड़ते हैं वो रिकमेंड करेंगे। हमारे कबूतर तो 15 दिन छोड़ के आप बाजी उड़ा सकते हैं। आपका माशाल्लाह नाम भी है इस इलाके में, और दौर में भी नाम है आपका, ये इनका पेट साफ करने के हैदर भाई इसके बारे में भी जरा बता दें कबूतर के पेट साफ करने के वाले से। नहीं नहीं, ये जरा पहले इस कबूतर का बताओ। ये वो तारे साहब है ना, तारे साहब पूछ रहे थे कि उस्तारे आसा पूछ रहे थे कि तस्वीर वाले कोई जो जौंसिरे हो तो ये भी जौंसिरा, ये भी पहले दागे का, अभी इसको 6-7 माह होने लगे हुए, और इसी ने जब आप 1-2 साल बाद आएंगे तो फिर आपको इस फॉर्म में नजर आएगा। हाँ जी माशाल्लाह, तस्वीर वाला कबूतर है जी उस्ताद मियां नज़ीर साहब का, मरहूम का इस टाइम है उस्ताद हैदर अली जोया साहब। दोस्त पूछ रहे थे कि पेट साफ करने के वाले से जी सर बताएंगे, कैमरा करें बिल्कुल करते हैं। मैं यूज करता हूँ डैक वर्मर पाउडर आता है, डैक वर्मर पाउडर होता है जी जी जी, उनकी टैबलेट भी होती है डैक वर्मर, मैं वो यूज करता हूँ। एक टैबलेट एक कबूतर के लिए होती है और उसका ना 2 लीटर में 1 चम्मच होता है जो उसके अंदर पाउडर का जो होता है वो उसमें डाल के वो 3 दिन हम पिलाते हैं अगर पाउडर डाले,
अगर वो टैबलेट देनी तो वो एक कबूतर को एक टैबलेट, एक टैबलेट उसमें जो है, सॉरी सर जी जी, इसमें जो है ना वो है कि इसको हफ्ते में आपने करवाना है वैक्सीनेशन या इसको महीने में करवाना है? नहीं सर, ये जो हम करते हैं ये एक कबूतर को दो दफा जिंदगी में करेंगे दोबारा उसमें कीड़े नहीं आते। वेरी गुड दोस्तों, इस कबूतर की दुम चेक करें, माशाल्लाह तस्वीर वाला कबूतर है, ब्रीडर कबूतर है, ठीक है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी हालत में कबूतर है ये, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बहुत अच्छा कबूतर है जी, तस्वीर वाला कबूतर यकीन मानो मजा आ जाता, हाथ चाहिए कबूतर मजा दे दूंगा जी। अदर भाई ये जी, ये भी तस्वीर वाले हैं, ये मेरे दोस्त राणा इमरान साहब BHS जी जी, ये उनके घर से आया, ये उनके घर से आया, हाँ राणा इमरान BHS। लो जी ये भी तस्वीर वाला कबूतर है, ठीक है काले पल्लों वाला, देखें माशाल्लाह इसकी बगल भी देखें माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बगल का कबूतर है। अदर भाई इसका रिजल्ट मैंने अभी पहला बच्चा लगा के छोड़ा है, वो 4-5 घंटे उड़ा, मैंने उसे अभी काट दिया ऊपर से और बाहर निकाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अभी पहला जो अभी पहला लगा प्योर ही है माशाल्लाह, प्योर लगा के छोड़ा, लेकिन मैं उड़ा के तो फिर आगे ब्रीडिंग। ठीक ठीक ठीक, मतलब पहले आप चेक करेंगे इसको? मैं उसे चेक करूँगा माशाल्लाह, ठीक है बहुत अच्छा। इन्हीं कोई छट्टे वाले भी क्या कुछ देते हैं? वो जो पहले आया था, थोड़ा सबसे पहले आया था, उन्हें आप छट्टों वाले कहेंगे? सही है माशाल्लाह, ये देखें जी पल्ले की लेंथ देखें, आसम 109 नंबर ले आएंगे, हाई प्रवास के कबूतर है, हाई क्वालिटी के कबूतर है, और सही जिन्हें कहते हैं ना हाई फ्लाइंग कबूतर, ये वो वाले कबूतर हैं, हाइट में जाकर उड़ने वाले कबूतर हैं माशाल्लाह। कोई ऐसा कबूतर नहीं आएगा जो आपको किसी किस्म के डाउट में डाले, प्योर हाई फ्लाइंग। इसके भी बच्चे हमेशा ही बाजी में होंगे, जिस छत पे भी होंगे बाजी में होंगे माशाल्लाह। अभी मेरे पास 4 हैं, 2 मैंने चेतर बसा के दिए हैं जी जी, अंधेरे के लगे हुए, और 2 मैंने जेड में माशाल्लाह जी, बड़ी गल बहुत अच्छे है जी। ये आ गया जी छट्टों वाला कबूतर है जी, उस्ताद नजीर मरहूम साहब के कबूतर थे छट्टों वाले, उस्ताद हैदर अली जोया साहब के पास से इस टाइम ये मौजूद है, और इनके पास ये इनके उस्ताद की बदौलत, उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की बदौलत ये कबूतर आए। तो मेरे जितने भी दोस्त प्रोग्राम देखते हैं मेरा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरा जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया वो लाइक फॉलो कर लें, इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है पिजन स्पोर्ट्स पाकिस्तान के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नहीं, देख लो नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे ना, कोई जरूरत नहीं महसूस की हमने, असल में इनकी एक केमिस्ट्री है, बड़े बड़े कबूतर इन कबूतरों की एक केमिस्ट्री है, जो बंदा उसे समझ लेगा वो फिर इनसे बाहर नहीं जा सकता। देखें जी माशाल्लाह, और हमने इन्हीं कबूतरों से कबूतरबाजी सीखी, और फिर ये है कि हम उस वक्त भी मियाँ साहब के पास जाते थे, मियाँ साहब ने हमें कोई एक दो बातें बताई हुई, जब हम इन कबूतरों में वो बातें डाल, गोल्डन कबूतर है जी माशाल्लाह उस्ताद मियां नजीर साहब वाला, दूसरे लोगों से ये कंट्रोल नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनके निगाहों में जो घुस गया, ये भी दिखाइए उसको सब पता चल। हैदर भाई इसका रिजल्ट लिया हुआ है? हाँ जी, ये मेरे बाद मैंने जितने भी आपको कबूतर दिखाए हैं, देखें हम हमारे बहुत से दोस्तों को भी हमने देने होते, कोई ऐसा कबूतर नहीं दिखाया सवाए वो 31 नंबर के जिसके बच्चों ने स्टैंप ना ली हो माशाल्लाह, मेरी छत पे, हमारी कसूर वाली छत पे, मेरे और बहुत से दोस्त हैं बाप हैं उनके पास, ठीक है हाँ जी, कसूर मान वो 10-12 साल से हम माशाल्लाह।
अभी चंद डैडी कबूतरों के शौक करवा दे। डैडी आप दिखाते हैं, 93 नंबर कबूतर ले क्या अली, 60 नंबर कबूतर ये ऐसा कमाल है। कमाल इसका बिल्कुल कमजोर निकला हुआ बच्चा था, मैंने हार्ड में छोड़ा हुआ जी जी। मेरे सारे सारे बच्चों ये इसका पर बहुत अच्छा है, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। मादी है कि नर है? ये मादी है। नर जी भाई, ये टेडी कबूतर हैं जी, टेडियों का शौक करवाते हैं आपको उस्ताद मियां नजीर साहब वाले। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਛੱਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਫੋਨ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਟਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਕਿ ਸਾਧ ਨਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੇ ਮਾਜੇ ਆਉਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜੋਂ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਹ ਟੈਡੀ, ਉਸਤਾਦ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਛੱਤ ਪੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਬਸ ਅਲੀ 132 ਨੰਬਰ ਕਬੂਤਰ ਲੈ यार, ये पल्ले जो मैं दिखा रहा हूँ ना, यकीन माने आपको इन कबूतरों के ये नशा कराने वाले पल्ले हैं, नशा कराने वाले पल्ले। अल्लाह जानता है इन पल्लों को समझ जाए, इन पल्लों को समझ जाए आपकी कबूतरबाजी बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छे कबूतरों का शौक करवाने का मकसद ये होता है कि दोस्तों को परख आ जाए, समझ आ जाए। दोस्तों करो शौक, माशाल्लाह टैडी कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ। उस्ताद हैदर अली जोया साहब की छत पे मौजूद हूँ चिंदराए से, और ये उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम साहब के कबूतर हैं टैडी, थोड़ा पुराना दिखाता है माशाल्लाह देखें। असम 39 नंबर कबूतर था माशाल्लाह, इसका कलर भी चेक करें कबूतर का। इसके बेटे के 67 घंटे हैं, 67 घंटे हाँ जी, 3 बाद ही इसका बेटा लास्ट बैठा माशाल्लाह। कितने दिन की, कितने दिन की? इस साल 7 दिन की है, 67 घंटे बहुत अच्छी है। और ये प्योर लगा हुआ है टैडी इसके। अच्छा प्योर ही उड़ाया हुआ है? प्योर ही उड़ाया, वो उसके भी प्योर उड़ते रहे लेकिन उसका बेटा बैठ के ना ठीक नहीं था होता, 11-12 बजे रात को जाके ठीक होता था। अच्छा अच्छा, लेकिन बैठता 5:30-6:30 बजे, तो फिर हमने डाला नहीं था, बाजी में नहीं था डाला, इसी साल की बात सही। अभी आपने वो जोड़ा चेंज किया हुआ है या उसको? नहीं वही लगा हुआ है, जोड़ा वही लगा हुआ है, वही एडिट। अभी फिर और भी उसके बच्चे, इसके बेटे ने 2019 में हमारे कसूर वाली छत पे 18 मोरे ली थी, और हर साल बाजी में होता है। इस साल भी इसके दो बेटे तैयार थे, एक बेटी हमने बाजी में प्यारों में डाली है, वो कबूतर नहीं डाल सके, कबूतर नहीं डाल सके, कबूतर नहीं डाल सके। ये मेरा कबूतर भी उड़िया प्यारे माशाल्लाह, पशु वाले प्यारे हैं भी उड़िया। ये वाला जो मेरे हाथ में है कबूतर, इसके बेटे, इसके बेटे उड़ रहे हैं, ये तो बचपन से ही ब्रीडिंग में ना। जूम कम करो, कम करो जूम, ये ज्यादा पुराना है, सब राइट साइड का पल्ला इसका था लखनऊ वाला ना, ये ज्यादा। लो जी माशाल्लाह, शौक करो जी टैडी कबूतर ने उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाले। निकला इसका बेटा ना दूसरी बार ही तूफान ले आया 2 बजे, बहुत कम छतों पे इतनी तादाद में, इतनी अच्छी हालत में कबूतर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिस जो भी पीस हमारे पास आया एक से बढ़ के एक आया, जो भी पीस आया, जो भी कबूतर का आपको शौक करवाया एक से बढ़ के एक आया। लो जी दोस्तों, ये भी टैडी कबूतर है, शौक करें। ये पर एक निकाल रहा है, ठीक है, नवा पर निकाल रहा है, प्योर लगे हुए मियाँ साहब वाले, दूसरे नहीं, और ये प्योर लगे हुए और इनके प्योर में बच्चे जो है माशाल्लाह। कासम 18 नंबर से 1 नंबर जी एक नंबर लाया कितने नजर मार के आप लोग क्या बैग एक नंबर पर। हाँ जी उस्ताद महाराज भट्ट साहब शौक करी जा रहे हो, दोस्तों में दस दियो को पसंद भी आ रही कि नहीं, कैमरा करो ना, कोई ऐसा परिंदा जो आपको ना पसंद आया हो, सही सही वाले करने हैं कोई ऐसा परिंदा जो आपको पसंद नहीं आया, ठीक है ये साडे को नहीं
एक परिंदे की कौन बेहतरी भी कर सकते, ये बात आपकी ठीक है, ये बहुत इन्हें तो अगे कुछ भी नहीं है। मैंने तो कहा कि जी एक से बढ़ के एक परिंदा आया हमारे यहाँ पर, ये खुद भी उड़ा हुआ है। आ गया किधर पूछा, क्या एज है इसकी? ऑलमोस्ट तकरीबन ये 8 से 10 साल है, 8 से 10 साल इसकी है। ये खुद उड़ा हुआ है और ये जाता नहीं, ये बैठ जाता है, ये बड़ा 6 साढ़े 6 साढ़े 5 इसने बैठ जाना। तो सब ये परिंदा अच्छा आया होता है, तो सब ये परिंदा ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को ना, उनकी बगलें खींच के, और ये लास्ट अभी आया। अच्छा अच्छा, कैमरे में आ जाएगा बच्चा, एक कैमरे से आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीमा है ना, आ जाएगा ट्रेनिंग के तौर पे, ठीक है, उन्होंने बच्चे उड़ाए हुए हैं और अभी उनका एक बच्चा निकल के आया ऊपर से, टाइम मेरा ख्याल को 10 के करीब करीब होगा, तो मैंने चले देखते हैं शौक करवाते हैं 10 के 10। हाँ जी, ये ऊंचा अभी अभी ऊंचाई लेकिन ये यहाँ से कैमरे में नहीं आएगा। ये कब का उड़ाया उस्ताद जी, सुबह का उड़ाया? शाम के टाइम, ठीक है, 6 बजे रात के लगा। ये ही ऊपर है, इसके अलावा भी है, बाकी सब बैठ के आखिरी बच्चा है। लो जी दोस्तों, ये कबूतर का आपको शौक करवाते हैं। इस साल मेरे जो नर थे उनके खुडों में माशाल्लाह सिसरी सी चल गई, तो ऊपर से उनकी परियां उड़ रही हैं। लाजवाब कबूतर हैं जी सारे ही माशाल्लाह। वो जो डंडों वाले कबूतर का ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 साढ़े 3 के बारिश करने में। मैं फिर यही कहूंगा कि मुझे अफसोस है कि इन कबूतरों का दिन में नहीं शौक करवा पाया अपने दोस्तों को। उसकी वजह यह है कि उस्ताद हैदरी जोया साहब जो है, उनके एक तो कोई अजीज रिश्तेदार उनकी शादी है, और उसके अलावा इन्होंने जाना उम्रे पे, ठीक है, जिस वजह से ना ये कल टाइम नहीं थे दे पा रहे हमें, तो हमने भी ज्यादा फिर फोर्स नहीं किया, तो इनका शुक्रिया कि फिर भी इन्होंने हमें एक शादी छोड़ के अपने अजीज रिश्तेदार की, और हमें ये टाइम दे रहे हैं, पुत्रों का शौक करवा रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह। लो जी दोस्तों, शौक करो चढ़ी, ये भी जी और इसकी बगले भी नहीं है, बगले मैंने खींची हुई है बगैर बगलों के, अपना कासम हो। और आजकल तो मौसम भी खतरनाक है, बहुत ज्यादा स्मोग, लेकिन देखे ना हमारी जैसी कबूतरबाजी, हमने तो रिस्क लेना है ना, हमें जितने भी लग जाएंगे हमारे अंदर भाई, बहुत रिस्क लेना पड़ता है आपको, और आप ले भी रहे हैं रिस्क, क्योंकि शौक जो है अच्छा शौक, नामवर शौक अगर आपने करना तो दिलेरी तो करनी पड़ेगी, दिन नालों बेहतर होता है। हां, लगड़ तो बाजे, लगड़ तो बाजे है, इतने अदनल वीडियो टिकटॉक पे सटील उल्लू का मगर लगा, हां उल्लू भी खा जाता है, बिल्कुल 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 उल्लू भी खा जाता है जी। कैमरा रियासत साहब की तरफ, उस्ताद भी हैं, देखो ही देखो कबूतर टाइम ना हो, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हैदर भाई ने जाना शादी पे, हमारी वजह से बैठे हैं, कोई बात नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ शौक करवा दूँ बस जल्दी से। देखें जी माशाल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें मसरूफ होने के बावजूद भी टाइम दिया है। पंजी नंबर ले आ गया, अच्छे कबूतर परवर होने के साथ साथ हैदर भाई जो है ना, ये एक बहुत अच्छे इंसान है, एक बहुत अच्छे इंसान है, न्यूट्रली बात है कि इनका अखलाक बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी दोस्त साहब आप हैं, मैंने जब भी इनके साथ कभी इनका जिक्र हुआ ना, तो उन्होंने हमेशा इनकी तारीफ की है कि यार ये अखलाक के भी बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं।
कबूतरबाजी तो सब करते हैं, कोई अच्छी करता कोई बुरी करता। सारे टेडी कबूतर का शौक माशाल्लाह। मतलब जी देखो जी सलारा टैडी कबूतर है उस्ताद मियां नज़ीर साहब वाला। ये मेरे पास यहाँ छः साल और छः साल जूम करो बेटा और कर दो। लो जी देखो दोस्तों आँख इसकी सलारा टैडी माशाल्लाह। उस्ताद हैदर अली जोया साहब का चेक करें माशाल्लाह। मैंने बताया दोस्तों एक से बढ़ के एक इसके पारे यहाँ से ना टूटे हुए हैं, टूटे हुए हैं पारे यहाँ से पकड़ते हुए पारे टेढ़े। नहीं वो ये ना केज में नहीं जाता जल्दी, वो फिर लड़का इसे पकड़ता वो सामने छिपू पड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं कहीं मारे जाते हैं। बहुत अच्छा हाथी ये तंग करता है इसे अंदर जाते हुए। बड़ा स्लो उड़ रहा है, स्लो उड़ रहा है। हालांकि नेरे दे विच सियाणा कबूतर होया तू भी तेज बार मारदा हुंदा। इनका टैडियों के रिजल्ट के हवाले से भी जरा दोस्तों को थोड़ा सा गाइड कर दें भाई जान। मैंने जितने भी पेयर लगाए हैं मैं सब उड़ाता हूँ, सब उड़ाता हूँ। जब आप उड़ा रहे होते तो रिजल्ट खुद ही आ जाता, खुद ही आ जाता है। दोस्त ऐसे करते हैं ना कुछ जो जोड़े प्योर लगा लेते फिर वो उन्हें उड़ाते नहीं है। जब उड़ाएंगे नहीं तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। 99 ले आएंगे यानी कि आप अभी भी इनको प्योर लगाया और प्योर ही उड़ाया। मैंने आपको बताया मेरे 3-4 आपको पहले कबूतर दिखाए जिनके इस साल जेड़ में आए हैं बच्चे माशाल्लाह। तो जी दोस्तों प्योर ही उड़ा रहे हैं और प्योर ही उड़ रहे हैं। जो दोस्त कहते हैं ना प्योर नहीं उड़ते हैं ये उनके लिए मैसेज है कि प्योर ही उड़ा रहे हैं। और बेटा जूम करो थोड़ा सा ऐसे। तो जी देखो माशाल्लाह सामने आ गया चलो चलो छत शौक करा दी उस्ताद जी, छत तो हमें शौक करवा देने दोस्तों। ये उस्ताद हज़र अली जोया साहब का सेटअप है ऊपर छत का जहाँ पे ये कबूतर उड़ाते हैं। अभी इसी छत से ये शॉट करते हैं। वो सामने भी कुछ आता है लाइटें जल रही हैं? नहीं नहीं। अच्छा वो वैसे ही है जी, वैसे ही। ठीक है ये देखें जी अंधेरे में ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने चित्र खेलना है। बताया था उन्होंने जैसे कि पहले कि चित्र की और वैसाख और जेठ 5 साल के सीज़न की उनकी बाजियाँ जो हैं वो फिक्स हुई हैं 3-4 घरों के साथ। उस हवाले से वो फिर अपने कबूतरों की तैयारी को वो लेके चल रहे हैं। अभी उनका एक बच्चा है बगलें खींची हुई हैं उड़ रहा है ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा चले एक एक पार्क है तो हम भी कैमरे में रिकॉर्ड करें इसको अंधेरे में बैठते हुए दिखाएं दोस्तों को। कबूतर बच्चा है एक पार्क का है 0 कली का और ये उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम साहब के कबूतर हैं। उस्ताद हज़रत जोया साहब जो हैं वो शागिर्द हैं
उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब के, चेयरमैन पार्टी के साथ इनका तल्लुक है, कबूतर भी सारे जो है वो इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की तरफ से हैं। भाई ऊंचा है ना अभी नहीं आ गया, दो जल्दी देखो, आता कैमरे में जूम करके देखो जरा, देखो मुश्किल है कैमरे में आना इसका। आ गया बिल्कुल आ रहा है, क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं, क्लियर नहीं है लेकिन आ गया है। ये देखें जी बिल्कुल बच्चा आ रहा है, ठीक है कैमरे में ये उड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कैमरा मैन अच्छा है यार मेरा। अच्छा बिल्कुल, हाँ जी देख रहे हो कितने बच्चे हैं, इतनी बुलंदी से बुलंदी है, चगी पुली बुलंदी से उसको कैच किया कैमरे में, लेकिन जरा और नीचे आ जाता तो पूरा क्लियर हो जाना था, बड़ा मजा आना था फिर। क्लियर करके भी दिखा रहे हैं, आ जाता है ना नीचे तो नहीं, काफी कुछ देर पहले भी हमने जब देखा तो इतनी बुलंदी में ही था, जो कबूतर अंधेरे में लग जाते हैं ना कि वो जल्दी नीचे नहीं आते, वो अपने हिसाब से आते हैं नीचे। हाँ जी ये सामने है बिल्कुल, हमें तो नजर आ रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊँ, ये कौन से जोड़े का बच्चा है भाई? नंबर तो आपने अपने लिए दिए हुए ना, आपको पता हो कौन से ऊपर जोड़े लगे हुए हैं, 79 नंबर गोल्डन जोड़ा जी, माशाल्लाह सर अच्छा सामने आ गया। भाई दोस्तों भी बच्चा ऊंचा है, चलते हैं हम नीचे ही फिर आपको शो करवाते हैं और उस्ताद जी को इजाजत देते हैं क्योंकि वो हमारी वजह से बैठे हैं, उन्होंने शादी पे जाना। सलेटी कबूतर ने जी छट्टे वाले कहते डब वाले ठीक है, डब वाले च निकले हुए जी, इन्होंने भी डब वाले ही कह गए नजीर साहब वाले माशाल्लाह। सलेटी कबूतर देखो जी अख का शौक करो, उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की तरफ आया जी 2017 च उस्ताद हैदर अली जोईया साहब के कोल, क्योंकि रात रह जाता सी ते उस्ताद उन्होंने फिर गिफ्ट किया अपने शागिर्द नूं जो प्योर रखा गे फिर स्लो होने सानू इन्हां तेजां की आदत है, असीं इन्ना टाइम दो साल वाला काम नहीं असीं कर सकते, लेकिन जी अच्छे कबूतर ने कोई भी कबूतर हुण तुसीं गुजराला क्रॉस करोगे तो उन्होंने कबूतर की बहुत कदर है। नहीं होएगा तो डेफिनेटली अस दहा ही देना है।
ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰਿੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਲੇਟੀ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਜਾਓ ਜੀ ਸਲੇਟੀ ਕਬੂਤਰ ਕਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 3 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਦੀ ਦਾ 33 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਹਦਰ ਅਲੀ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਊ ਛੱਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਨਿਊ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ झड़े पे कबूतर पर झड़ता पे ठीक है पूरा पला खुलिया हो ठीक है चेयरमैन साहब ने जो मैं सब तो पहले कबूतर जी अदर भाई इसका रिजल्ट ले रहे हैं इसका बेटा जी सारे प्यारे उड़ा मेरे पास माशाल्लाह इस साल ना सारे प्यारे उड़ा सारे प्यारे उड़ा सारे प्यारे चेतर बैसाख के भी और सूज वाले करो जूम और फिर एक दिन वो मौसम खराब में गया है ठीक है मौसम खराबी में जाया हुआ है हां जी चले वो तो उसका कसूर नहीं है ना बेचारे का जाया तो फिर हो ही जाते हैं माशाल्लाह जी हां जी सर इसकी बेटी थी जो मैंने लाहौर बहादुर दी थी वो दूसरे दिन तूफान में नहीं थी बैठी निकली हुई थी 4 बजे इसकी बेटी हाँ जी और इसका एक बेटा उस्ताद जी की तरफ उन्होंने एक प्यारे में डाला था इस असूल में रात 10:30-11 बजे बैठा माशाल्लाह अच्छा ये जो इस तरह के डब वाले हैं आपके पास ये ऐसे ही सेम लगाए हुए हैं आपने या इनको डिफरेंट डिफरेंट भी लगाए हैं डिफरेंट भी सेम भी लगे हुए हैं ठीक है ले जी देखे माशाल्लाह जी शौक करे क्रीज पड़ा हुए ठीक है परिंदा ये ये देखें बह रहा भी गया अच्छा ले बह रहे उच्चा जी अले अच्छा और नहीं वहाँ आ गया ठीक है लो जी देखो जी अक का शौक करो माशाल्लाह लो देखो जी एडा कौन है जा यार बच्चा तो कैमरे से कैच कर के ला कच्छा पट्टियां हुई बाहरले 10 पार ने बच्चा कली कली दा आ गया कैमरे च आ रहा क्लियर आ रहा हाँ जल्दी बैठ जाए ज्यादा टाइम करन लग पे रात में उस बंद कर देने थोड़े टाइम वाले कबूतर जड़े ना जो 10-11 बजे के करीब बह जाव वो बहर क्ढी देने और यह भी बच्चा सा ज्यादा टाइम करन लग पे तकरीबन से पीछे ला जाए और दो
ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਤੇ ਬੈਂਦਾ ਵਿਖਾ ਦਾ ਹਾਂ ਬੈਂਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਕੱਛਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਮਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ बैठ गया क्लियर हो गया चलो आ जाओ चलो पीछे आ जाओ बहुत ज्यादा उम्मीद है तुम भी इंजॉय करोगे देखो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कबूतर बहुत जबरदस्त कबूतर है जी ये बच्चा भी कड़ा है तो उत्ते बैठी होनी है बहुत तगड़ा कबूतर जी बहुत तगड़ा जेड़ा मेरे अच कबूतर है किन्ने बच्चे हैं माशाल्लाह देखो तन्नी कोई प्रॉब्लम नहीं देखो बंदा इन्हें ला दे दो माशाल्लाह हर साल बाजी एस जोड़ी बहुत अच्छा नर बहुत बड़ा नहीं नहीं वैसे बैठे बच्चा छोटा ही आया कासम में चुक ला नहीं टाइम ना ठीक है ना अंडिया देना जा माशाल्लाह देखो जी कुल्ला इन्हें किन्हें थले रखने हैं बड़ा 88 है वे बदले ना उनका मादी चोटी कबूतर फड़ी 105 दौरी कासम 10 भी दे के बदल देते हैं चौकी लानी मादी चौक लानी मेरी माँ सेम ही प्योर है लो जी उस्ताद है तरली जोया साहब का ये भी ब्रीडर टैडी कबूतर है अदर ले आ मादी माशाल्लाह यानी बेटी चैंपियन हुई थी ना हैदर भाई क्या है ये इसकी जरा थोड़ा सा बता दें स्कूटर ये टैडी है जी तो इसका पहले भाई दिखाया जी जी इसलिए इसमें ठीक है ये अभी मैंने लगाया अभी लगाया ठीक है ये जो अभी जो पहले बड़ा कबूतर आपको दिखाया टैडी उसका ये भाई है माशाल्लाह
बहुत अच्छा जी। क्या दोस्तों उस्ताद हैदर अली जुड़िया साहब चंद्राई से शगिर्द उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब और चेयरमैन पार्टी के हैं ये माशाल्लाह 2021 और 2022 सीज़न दो साल शौक किया अभी इन छत से और इंशाल्लाह 2023 का शौक जो है वो भी इसी छत से होगा। 2021-22 का रिजल्ट उस्ताद हैदर अली जुड़िया साहब ने आपको बताया, उनका शौक भी आपको दिखाया। उम्मीद है कि अगर हमें पसंद आया तो आपको भी ज़रूर पसंद आया होगा। बस फ़र्क इतना है कि मैंने थोड़ा सा शौक अभी अंधेरे में करवाया, अगर दिन में करवाता तो और भी ज़्यादा मुझे खुद बहुत मज़ा आता। तो हैदर अली जुड़िया साहब के लिए मेरी नेक तमन्ना है, मेरी दुआएँ हैदर अली जुड़िया साहब के साथ हैं कि 2023 में भी ये अच्छी परफॉर्मेंस करें और अल्लाह पाक इनको लाहौर की चैम्पियनशिप का एजाज भी अल्लाह पाक इनके नाम करें। आप सभी दुआ की रिक्वेस्ट है कि करें दुआ, सब दोस्त किया करें, सबके लिए दिया करें, पता नहीं कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए। तो उस्ताद जी दोस्तों के लिए आखिर में तमाम कबूतर परवर भाइयों के लिए या आप अपने शिकायतों के लिए समझ लें तो प्यारा सा मैसेज साढ़े सा भाई दो दिन शिकायत नहीं सामने रोक के दाख में तमाम दोस्तों के लिए ये प्रोग्राम है कि ये शौक प्यार मोहब्बत क्या है, इसमें जो हरीफ है वो हरीफ हुआ है जो आपको शौक करवाता है, हरीफ वो नहीं है जो पंजाबी में जिसे हम दुश्मन बोलते हैं। तो हरीफ की इज्जत किया करें और ये कि ये प्यार मोहब्बत का शौक और प्यार मोहब्बत से करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए ये शौक नहीं है, ये अपनी तस्कीन के लिए शौक है और इस शौक को करने के लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। कोई भी कभी आपके ऊपर उंगली ना उठाएगा यार उसने फलां जगह पे ऐसे करके तो कुछ जीत लिया। तो ये प्यार से दोस्तों को ये पैगाम है मेरी तरफ से कि एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आएँ, जिनके साथ आपकी बाजियाँ उड़ती हैं वो आपके भाई हैं, आपका अच्छा शौक करवाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके बाद अगर हैदर भाई आपको इलम हो, आपको नॉलेज में हो, सर्दियों का मौसम है तो इस हवाले से वो दोस्तों को एहतियाती तदाबीर को कबूतरों की ये जी अभी तो सर्दी मेरे ख्याल से जो सर्दी जिस सर्दी में कबूतर बीमार होते हैं वो आ चुकी है जी। हम इससे पहले करते हैं जब सूज के बाद अगला महीना गुजर जाता है ना जी, हाफ गुजर जाए नेक्स्ट जो है ना नवंबर का ही नवंबर हाफ तक ना हम प्रिकॉशन लग लेते हैं। जो हमारे प्रिकॉशन है हमारे प्रिकॉशन ये है कि हम ये देखें जैसे पर्दे लगाए हुए हमारा ओपन है ये जी जी जी। लोगों दोस्तों ने खुडों के आगे वो मच्छर जाली लगी होती है तो उसे हवा में कर लेना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं कि हम नीम गर्म पानी यूज़ करते हैं। नीम गर्म पानी मैंने प्रिकॉशन इस्तेमाल करना वो मेरे प्रिकॉशन में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना और कबूतर के आगे पानी नहीं में पड़ा रहने देता बिल्कुल। और दूसरा अगर मैं पहले ये जो है कुंदे पड़े हुए हैं यहाँ पे तो मैं बोतल में डालना शुरू कर देता हूँ ठीक है और पिलाया सुबह पिलाया उठा लिया दोपहर पिलाया उठा लिया शाम को पिलाया उठा यानी कि मुश्किल आगे नहीं मुश्किल आगे नहीं पड़ा रहने का। उसके अलावा मैं दाना यूज़ करता हूँ ज़्यादा गर्म दाने जो वो मैं सर्दियों में वो डालने शुरू कर देता हूँ इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ वो अब मेरे पास आपको तादाद ज़्यादा है कोई एक आधा अगर कोई बीमार है ना तो उसे सेपरेट करना चाहिए सेपरेट पहले करके उसकी अच्छी से ट्रीटमेंट करके फिर उन्हें कबूतर में छोड़ता हूँ ठीक। इससे ज़्यादा मैं जो मैं करता हूँ मैंने आपको सॉरी आप मेडिसिन कौन सी यूज़ करते हैं मैं ये कबूतरों को गैलीमॉन लगाता हूँ वैक्सीनेशन के लिए गले के लिए मैं ट्राइचोप्लस यूज़ करता हूँ चार सीरप में जो मैं महीने में एक मरतबा यूज़ करता हूँ पैनाडोल अथ्रोसिन मॉक्सल और फ्लैजर अभी मैंने नोविडेट भी उसमें मैं वो महीने बाद कोर्स करवाता ही करवाता हूँ यही चीज़ें हैं कितना कोर्स है वन डे या टू डे थ्री डे मैं थ्री डे करता हूँ थ्री डे करता हूँ एक महीने के बाद तीन दिन दाने के साथ ठीक है हाँ जी उसमें ये अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका जी बहुत शुक्रिया उस्ताद हैदर अली जुड़िया साहब की मोहब्बत का बहुत अच्छे टिप्स और बहुत अच्छे कबूतर भी दिखाए बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई। इंशाल्लाह कल को कुछ नई छतों के साथ आपके साथ लाइव आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा मुझे भी और इन तमाम दोस्तों को भी। अल्लाह हाफिज़।